वेलकम बैक टू माई चैनल। और इन दिस वीडियो विल एक्चुअली बी डिस्कसिंग के लाइक हाउ डू यू डू द ब्यूटी बिजनेस। ओके, मैंने लाइक 3 अदर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप अगर आपने नहीं देखी गो चेक एम आउट ऑन दिस। और मैं साथ आई एम गोइंग टू स्पिल सम ट्रूथ अबाउट इट। गेट इट? स्पिल सम ट्रूथ अबाउट इट, स्पिल सम थी अबाउट इट। आई थिंक ऐसे ही कुछ है। ओके, आई जस्ट वॉन्ट यू नो लुक वो प्रोफेशनल टाइप के होते हैं जो स्पिल द टी करते हैं। ओके, लेट्स पुट दिस असाइड। सो बेसिकली जैसा आपको पता है, आई बेसिकली रन अ ब्यूटी बिजनेस जिसमें हमारे पास लिप एंड चीक टिंट्स हैं और उसके साथ हेयर ऑयल्स हैं, जिनके अब तक मैंने 2 प्रोडक्ट्स के वर्जन निकाले हैं। एक ये है सिल्की एंड शाइनी, या आप जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक वो है लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, वो अंदर पड़ा हुआ है। सो बेसिकली सबसे पहले आती है चीज़ लाइक प्रोडक्ट की पैकेजिंग। ये जो मैंने बॉटल्स मंगवाई हैं, मैं 2-3 बार आप बता चुकी हूँ, packet.pk से मंगवाई हैं। इंस्टाग्राम पे उनका लिंक होगा, packet.pk इंस्टाग्राम से। तो ये बॉटल मैंने कभी इसकी प्राइसेस डिस्कस नहीं की, बॉटल कितनी की पड़ी है। तो ये जो बॉटल एक पड़ी है ना, ये पड़ी है 33 रुपीज़ की। अब मैं गई हूँ सोशल मीडिया पर, सही है, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे कुछ लोग ना लाइक कुछ लोगों ने ख़रीदी है, दे लाइक द प्रोडक्ट, लेकिन जो बॉटल है ना उसको यूँ यूँ करना पड़ता है, तो उससे वो डिस्टर्ब होते हैं अक्सर लोगों का, बस यूँ पुश करना होता है और फिर वो हेयर ऑयल निकल आता है। तो मैं गई हूँ इंस्टाग्राम पर, मैंने चेक किया, तो मुझे 2 ऐसे एक पेज मिला है, उसमें वो पुश करने वाली बॉटल्स दे रहे थे, लेकिन ये मिल रही है 33 की, वो दे रहे थे 130 रुपीज़ की। मुझे पता था ज़्यादा है, इसलिए जैसे ही मैंने उनको, उन लोगों ने ये कहा ना 130, मैंने उनको इग्नोर किया। उन लोगों ने कहा कि 20% ऑफ देंगे टोटल में, वो समझ आ गई। लाइक दैट वॉज रियली एक्सपेंसिव अगर देखा जाए, क्योंकि अगर आप अलीबाबा से भी मंगवाते हो तो तकरीबन 0.34 डॉलर्स, यानी तकरीबन 34 या 35 रुपीज़ लीस्ट की एक बॉटल पड़ती है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा बता रहे हैं लीस्ट 1 डॉलर की एक बॉटल। भाई 1 डॉलर की बॉटल्स नहीं होती, वरना प्रोडक्ट्स की कॉस्ट गिर जाती है। तो इसलिए आई जस्ट इग्नोर द, मैंने कहा ओके। फिर मैं जानती थी वो उन लोगों ने अपना मार्जिन निकालना होता है, लेकिन ये मुझे packet.pk से ये वाली बॉटल्स वो लोग बना रहे हैं 34 रुपीज़ की, विच मेक सेंस। ओके, क्योंकि 34 रुपीज़ इज़ चीप, और वो स्प्रेज भी दे रहे हैं दैट इज़ लाइक 44 रुपीज़ फॉर अ बॉटल, सही है। तो इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ये चीज़ें कम पड़ती हैं, जबकि वो पंप वाली बॉटल्स मुझे जो एक और पेज दे रहा था, अब तक मुझे और कोई पेज नहीं मिला, एक वो पहले था ऐसे कुछ था, वो लोग काफ़ी महंगा दे रहे थे पंप वाली बॉटल। तो मैं पंप वाली बॉटल्स की आजकल तलाश में हूँ, अगर आपको पता नहीं जो कमेंट्स में बता दो कौन सा इंस्टाग्राम का पेज है जिसमें चीप पंप बॉटल्स मिले, सही है। बाकी इस प्रोडक्ट की बात की जाए, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, नीचे लिंक भी दे दूँगी दराज का, जहाँ से आप जाके ख़रीद सकते हो और या हमें सपोर्ट कर सकते हो। तो ये मैंने अभी इसी जनवरी स्टार्ट किया, आज मार्च है, सही है। मेरे पेपर्स की वजह से डिले हो रहा था, और ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कि आपको पता है, ये मेरा कोई 3rd प्रोडक्ट है। मैंने जो पहला वाला मंगवाया था वो स्टिकर्स, वो अलग पड़े हुए हैं। तो या इट इज़ अ रियली रियली गुड प्रोडक्ट। और पता है मैंने देखा इंस्टाग्राम पे लाइक इतना एक्सपेंसिव लिटरली हेयर ऑयल दे रहे हैं मुझे, लाइक कभी कभार ना आई जस्ट थिंक कि मैं जानती हूँ प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, सही है, आई नो अबाउट दम, क्योंकि प्रीमियम चीज़ें खरीदते हैं विच इज़ बेस्ड अपॉन द क्वालिटी, सही है। लेकिन बात यह है कि अक्सर जितने भी अब तक मैंने वो देखे हैं ना, आपको लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल जिसे सरसों का तेल कहते हैं, मेरी मामा ने अभी ख़रीदा है इतनी बड़ी बॉटल 150 की, अब मैं ऑनलाइन जाती हूँ वही चीज़ मुझे 850 की मिल रही है, सही है। अब मैं ये नहीं कह रही शायद उनके पास कोई और हो, लेकिन उसके नीचे लिखा होता मस्टर्ड ऑयल, तो वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन बस वही यही कहते हैं क्वालिटी अच्छी है। तो एक ये चीज़ भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब तक मैं लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था ना, ये तो 850 का,
सेंसेबल क्योंकि इसमें 100 ml है, प्लस इस पे काफ़ी मेहनत लगी है, 100% प्योर नकाल है। लेकिन जो मैंने अब तक सारे इंस्टाग्राम पेजेस देखे हैं, कोई 2400 का एक हेयर ऑयल से लेके 1200 का एक हेयर ऑयल दे रहा है। अब इतने कहते हैं लोग नए सूट ले लेते हैं, लेकिन सबकी अपनी मर्जी होती है लगाने की। लेकिन अगर आपको स्टार्टअप है लिटरली, और वो स्टार्टअप है बिल्कुल स्टार्ट पे, 1200 का अगर आप लगा रहे हो, आपके चांसेस इतने बिकने के नहीं होंगे। प्लस जो मेजोरिटी है पाकिस्तान में, अगर वो हर कोई 1200 एक हेयर ऑयल की बॉटल वो भी इतनी सी पे दे, तो या वो सर्टेन टाइप ऑफ पीपल पे आप टारगेट करते हो, तब ज़्यादा इट मेक सेंस, आई गेस। तो उनके साथ वो लोग आई थिंक लिखते होंगे कि इतने लोगों की परसेंटेज इनकम के लिहाज से होगा। लाइक अब फॉर एग्जांपल आपके पास पॉकेट मनी आती है, तो आप लाइक एक हेयर ऑयल पे तो स्पेंड नहीं करने लगे हो कहीं, अनलेस इट इज़ अ एक्सीलेंट प्रोडक्ट। लेकिन अगर इट्स द सेम विच इज इन द मार्केट, तो चांसेस कम है। तो इस चीज़ पर अक्सर हम प्रैक्टिकल नहीं होते, और जितने भी नए स्टार्टअप हैं लाइक कोई नीचे नहीं जा रहा। मैं ये नहीं कह रही लाइक मैं माइन इज 850 ओके, एंड एवरी मंथ लाइक 1000 2000 3000 फॉर अ हेयर ऑयल, एंड उसमें चीज़ भी सेम ही है जो जो मेरे वाले या फिर किसी और प्रोडक्ट में जाती है। सो आई थिंक वो भी एक चीज़ है। आई थिंक वो शायद मार्केट डिफरेंट करते हैं, क्योंकि अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए आपको मार्केटिंग सख्त अच्छी चाहिए। लाइक अगर आपने हैवी उसमें प्राइस लगानी है, यू गॉटा डू द बेटर मार्केटिंग। लाइक और उसका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ जो मार्केट में मिल रही है वो सस्ती मिल रही है, वो लोग खरीदेंगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट 100% अच्छा है, तो फिर यू कैन लाइक ट्रिपल द प्राइस। सही है, तो ये बात है। एनीवेज मैं इसके नीचे लिंक दे दूँगी, बिकॉज आई लव दिस सो मच, एंड यू कैन बाय इट। सो या मैंने यही कहना था कि हेयर ऑयल स्टार्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस की जाए, क्योंकि जब आप ख़रीदते हो तब आप रिड्यूस्ड कॉस्ट में ख़रीदो, ताकि बेचो तो हाई प्राइस में बेच सको। सही है, तो एक ये चीज़ है, जब आप ख़रीदते हो तब आपका प्रॉफिट निकलता है, बेचते वक्त नहीं। गुड ओके, बस ये बात है। सो या टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय 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 गाइस, ओके बाय।